आज की क्लास में हम क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट में सेशन नंबर 3 वर्किंग विद टेबल टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ये प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रखी है जिसमें एक स्लाइड है, और मैं यहाँ पर एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे टेबल इंसर्ट करनी है। इसके लिए हम होम टैब पर, न्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रेजेंटेशन को में स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला ऑप्शन टाइटल एंड कंटेंट वाला। तो यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे सामने जब ये नई स्लाइड आएगी तो इस पर हमें कुछ प्लेस होल्डर मिलेंगे। तो इन प्लेस होल्डर के अंदर जो पहले वाला प्लेस होल्डर है इसमें यहाँ पर कुछ आइकन्स मिलेंगे आपको। ये टेबल वाला आइकन है पहले वाला इंसर्ट टेबल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो टाइप कर देनी है, मतलब कितनी आपको कॉलम रखनी है अपने टेबल में और कितनी रो रखनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। सपोज कीजिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर 5 कॉलम्स हो और 4 रोज हो। ओके, तो मेरी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट के नाम लिख लेता हूँ और उनके सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, उनका टोटल कर लेता हूँ। इस तरह से तो यहाँ पर हमने टेबल हमने क्रिएट कर लिया है इनके लिए। इनका टोटल भी यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है। जैसे ही हमारी टेबल क्रिएट होगी हमारे यहाँ पर एक टैब एक्टिव हो जाएगा, लेआउट टैब और डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब को पहले देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। जो अभी आप टेबल क्रिएट करेंगे इस टेबल की जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कमांड्स होंगी वो यहाँ पर होंगी। सबसे पहले टेबल का स्टाइल होगा, यहाँ से आप इस टेबल का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, वो स्टाइल आपका यहाँ पर टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन यहाँ ले सकते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, बने हुए होते हैं पहले से ही। किसी भी डिज़ाइन को आप अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, जो भी सेटिंग आप चाहें इन फॉर डिज़ाइन से अलग भी ले सकते हैं। जैसे मुझे ग्रीन कलर की अगर करनी है तो मैं ग्रीन कलर ले लूँगा, या फिर अदर कोई भी कलर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर का जो भी कलर वगैरह वो भी आप चेंज कर लेंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बॉर्डर की जो हाइट वगैरह है और विड्थ वगैरह है, कलर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ बहुत ही आसानी से चेंज हो जाती हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। बॉर्डर की अगर आपको मोटाई चेंज करनी है इसके तो उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ से बॉर्डर की मोटाई को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे हमें डॉट वाला बॉर्डर चाहिए और इसकी जो विड्थ चाहिए वो इस तक चाहिए, डॉट में चाहिए, इस तरह का बॉर्डर चाहिए। कलर हमें चाहिए उसका कोई दो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा, या कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं जैसे येलो और बॉर्डर। तो इस तरह से बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो बॉर्डर कर दीजिए तो बॉर्डर हट जाएगा। इफेक्ट्स वगैरह आपको डालनी है टेबल पर तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। आप इफेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम टेबल पर, जैसे अभी चाहें एज ए ऑब्जेक्ट वो यहाँ आ जाती है। अगर आपको इस टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, ड्रॉ करना है या कोई कुछ इरेज करना है तो वो भी यहाँ पर करने के लिए आपको फीचर मिल जाता है। यहाँ पर ड्रॉ टेबल का फीचर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जिससे आप इस टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेबल क्लिक करते हैं तो ये पेंसिल एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर आप इसमें चाहे तो इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए तो ये इंग्लिश के 2 पोर्शन बन जाएंगे और आप इसमें आसान से लिख सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर सकते हैं दूसरे नंबर इस तरह से। ये लाइन का साइज जो होगा या कलर जो होगा वो ये होगा जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था। जिस भी कलर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे ये उसी कलर में काम करेगा। जैसे मुझे यहाँ पर वाइट में करना है और इसको नॉर्मल बटन में करना है तो ये ऐसे ही काम करेगा।
इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने टेबल में बॉर्डर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, उस प्लस उसके अलावा बॉर्डर को या किसी सेल को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई सेल डिलीट करना या एडिट करना तो इरेज का यूज़ कर सकते हैं, इरेज का फीचर मिल जाता है। इरेज की हेल्प से आप किसी भी सेल कॉलम को डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देन उसके बाद लेआउट वाला ऑप्शन आता है, लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट जो हमारी टेबल का लेआउट है उसके लिए भी काफ़ी सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे ग्रिड वाला ऑप्शन है, ग्रिड लगानी है हटानी है वो चीज़ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है टेबल को या कॉलम को वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम डिलीट करते हैं तो जिस भी आपकी कॉलम में कर्जा रखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पर कर्जा रखा हुआ है टोटल वाली कॉलम में, तो ये पूरी पूरी जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड से वापस ले आते हैं या फिर डिलीट रो। डिलीट रो से क्या होगा, जिस भी रो में कर्जा रखा हुआ, जैसे रोहन में रखा हुआ, तो रोहन के सामने की जो रो होगी वो पूरी डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो खत्म डिलीट हो जाएगी, या फिर डिलीट टेबल भी कर सकते हैं, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कोई सा भी आप यहाँ पर फीचर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट अबाउट, इंसर्ट बिलो, ये इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर जो रोहन वाली जो रो है इसके ऊपर की साइड आपको अगर कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट अबाउट का यूज़ करेंगे, इससे ऊपर आ जाएगी। और अगर आपको रोहन के नीचे इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट बिलो का यूज़ करेंगे तो इसके भी नीचे आ जाएगी। या फिर लेफ्ट राइट का फीचर भी यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट रो, डिलीट रो। और अगर आप चाहे तो ये इंग्लिश वाली जो रो है या कॉलम है, इस कॉलम के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का ऑप्शन यूज करना होगा, इंसर्ट लेफ्ट और इसके राइट में तो इंसर्ट राइट। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो कॉलम्स को मिलाकर एक या दो सेल को मिलाकर एक सेल बनाना है, जैसे इस वाली सेल को मिलाना है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाता है हमें। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, जो आप एक्सेल में पढ़ चुके हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर सेल को मर्ज कर सकते हैं और मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। अगर आप एक सेल को दो टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये आपसे पूछेगा कि आपको इसकी कितनी कॉलम बनानी है या कितनी रो बनानी है। सपोज कीजिए मैं दो कॉलम बनाना चाहता हूँ और रो एक ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से कर दूंगा तो मेरी ये इस तरह से बन जाएगी, टू रो बन जाएंगी और टू कॉलम बन जाएंगी और रो एक रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस टेबल की जो सेल्स की हाइट है उनको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साथ साथ कॉलम की विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप हाइट को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, और विड्थ के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से जो भी चाहे वैसे ही आप हाइट को या विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर लीजिए। जो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है अगर आपको इसको भी सेट करना है, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ पहले मर्ज, और ये वाले मर्ज कर देते हैं, मर्ज मर्ज एंड मर्ज। इसको हम सब कुछ जो भी लिखा हुआ है इसको हम अरेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और सेंटर कर लेते हैं। लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली जो अरेंजमेंट होती है वो होती है, इसके अलावा वर्टिकल वाली यहाँ से कर सकते हैं, सेल के बीच में या ऊपर टॉप मिल जाना है टेक्स्ट को तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं, जैसे अगर आपको ये वर्टिकल में लिखना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फीचर भी यहाँ पर मिल जाता है, इसकी हेल्प से भी आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जिस वाला नाम अगर आपको वर्टिकल में लिखने हैं, जैसे यहाँ से हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा इस तरह से, और ये नाम हम रख लेते हैं डिफरेंट टाइप से, डायरेक्शन के ऊपर कर देते हैं तो इस तरह से आएंगे यहाँ पर नाम। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एज विश जो भी आप स्टाइल चूज चाहें वो कर सकते हैं। उसका सेल मार्जिन, सेल की जो मार्जिन होती है उसको भी सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सेल की मार्जिन आपको मिल जाती है यहाँ पर, अभी जो भी मार्जिन यहाँ पर इस तरह की है लिखी हुई है, अगर आप इनके अलावा कोई भी मार्जिन सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको जो टेस्ट होगा वो सेल के अंदर लिखा होगा। टेबल का जो साइज़ है,
लंबाई चौड़ाई जो है वो आप यहाँ से आसानी से सेट कर सकते हैं। जो इसकी हाइट है अभी 3.86 इंच है और जो विड्थ है वो 7.8 इंच है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से ये आपकी हाइट कम हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी। यहाँ से आप इसको इस तरह से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें थी, हाइट एंड वाइथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये पूरी ये वाली जो एरिया है ये पूरी टेबल के लिए है, और ये आपका जो रोज़ और कॉलम थे उनके लिए था। देन इसके बाद यहाँ पर अरेंजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो टेबल इंसर्ट कर रखी है उसको आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, कहाँ पर उसे सेट करना है, तो वो कंडीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर इंसर्ट में जाकर ये यहाँ पर इस तरह से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं इस तरह से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये टेबल, ये वाली जो है ये टेबल इसके पीछे है, मुझे इसको ऊपर लाना है इसके, तो लेआउट में जाकर यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ऊपर आ जाएगी, सैंड बैकवर्ड का मतलब पीछे चल जाएगी, इस तरह से। यहाँ से वन बाई वन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ला सकते हैं, वो हम सिलेक्शन कर लेंगे। और अलाइनमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी अगर मेरी ये वाली जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पर है, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट वाला, वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, कि आप कहाँ पर अलाइनमेंट रखनी है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये नीचे वाला, इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, जैसे सेंटर करना है ये, इस तरह से जहाँ भी आप चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना आप। अलाइनमेंट के आपसे ऑप्शन मिल जाएंगे आप यहाँ पर, या आप इसको अपने हिसाब से आप उठा कर रख भी सकते हैं इस तरह से, या फिर आपको इस टेबल को जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ में मर्ज करना है, ग्रुप करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और देन आप इसे ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।